तो यहाँ पर हमने 8 रुपये जीते हुए हैं विंजो एप्लीकेशन में, हम इसको विद्रो करते हैं। अब जैसे विद्रो करेंगे, यहाँ से आप UPI बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सिर्फ पेटीएम। तो जैसे हम विद्रो नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे आता है यूर अकाउंट वेरिफिकेशन फील्ड व्यू पेटीएम। अगर आपका भी ये दिक्कत आ रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो क्या हालचाल है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं विंजो एप्लीकेशन में हम अपना जीता हुआ पैसा, जो हमारा गेम खेल के पैसा जीते हैं, तो उसको हम पेटीएम में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप पेटीएम में कैसे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर पहली बार ही आए हो हमारे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, जिससे कि हमारी एक वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और वीडियो कहीं भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आपने करना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता है गेम खेल के पैसे कमाते ही हो। तो यहाँ पे हम वॉलेट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे 8 रुपये हमने जीते हुए, जितने भी पैसे हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे, हम जितना भी जीतेंगे यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो हम इसको विदड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका पेटीएम में, मान लीजिए आपका अकाउंट है, बैंक खाता है, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट लिंक है उसी नंबर से आपने वेरिफिकेशन करना है, यानी इस गेम को उसी नंबर से आपने लॉगिन करना है, नहीं तो आपका पेटीएम में पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो UPI एंड बैंक ट्रांसफ़र जो है, ये दोनों ऑप्शन जो है बंद कर दिए गए हैं। अब पता नहीं उसने क्यों बंद करे कंपनी वाले, मुझे नहीं पता, बट ये बंद है। तो आपने उसी नंबर से जो आपके बैंक में लिंक है उसी नंबर से आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब एक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर हम जैसे ही विड्रॉ नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे ये नीचे दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो योर अकाउंट व्यू पेटीएम, ऐसे कुछ मतलब आप देख सकते हो, दोबारा मैं पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है योर अकाउंट पेटीएम, ऐसे कैसे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन बता दूँ इसका गेम का, जो यहाँ पे डेली आप विद्रॉ कर सकते हो, डेली यानी रोज़। आप इसमें 5000 लिमिट है, आप उतना दिन से कर सकते हो, मतलब दिन में 5000 डेली रोज़ का। अब मिनिमम आप यहाँ पे 3 रुपये निकाल सकते हो, यानी 3 रुपये से ऊपर से जितने भी होंगे, 3 रुपये मान लीजिए 3, 4, 5 उसके ऊपर जितना मर्जी निकाल सकते हो, 1-2 रुपये नहीं निकाल सकते हो। और यहाँ पे विद्रो कमीशन, यहाँ पे ये एप्लीकेशन खुद कमीशन ले लेगा जो आप अपना पैसा जीतोगे, ठीक है। तो योर अकाउंट वेरिफिकेशन फेल ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका हल बताता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं पेटीएम में जाके स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं कर सकता, ओके। तो ना तो मेरे पास फ़ोन है कि मैं अपने फ़ोन में वीडियो शूट करूँ और उसको बताऊँ, बट मैं एक सोल्यूशन लेके आया जिससे कि आप लोग बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने घबराने वाली टेंशन नहीं है। तो मैं आप लोग को ले चलता हूँ गैलरी पर, मैंने ये अपने फ़ोन में ही पेटीएम की फ़ोटो क्लिक की थी, उसी के थ्रू से आप लोग समझा दूंगा, आप समझ जाओगे यार क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। अब मैं आप लोग दिखाता हूँ क्या करना है। आपने सिंपल से आपने अपना पेटीएम एप्लीकेशन खोलना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट KYC नॉट नीडेड लिखा हुआ है, बट है तभी वहाँ से पैसे निकलेंगे हमारे। आप देख सकते हैं आपको पेटीएम खोलेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पेटीएम पर। अगर आपने अपडेट नहीं कराया है तो उसको अपडेट कर लीजिए पहले, ठीक है। बाद में कहेंगे ये ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे में, तो सबसे पहले आप अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाके। तो यहाँ पर आने के बाद आपके हाथ फोटो दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे साइड में मैं अपना डब्बा सा लगा रहा हूँ, देख लेना। 3 डायल हैं, तो 3 लाइन पर आपने जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, ठीक है। पेटीएम सिक्योरिटी शील्ड एंड डिफ़िकल्ट अकाउंट बैलेंस जो भी है। अब यहाँ पे आप नीचे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ 24/7 हेल्प सपोर्ट, तो यहाँ ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट्स, ठीक है। रुपया बना हुआ है हमारे इंडिया का, इंडियन रुपीज़ का रुपया बना हुआ है। तो आपने योर अकाउंट्स पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, सॉरी ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा यूर अकाउंट्स, ठीक है। आपने जैसे यूर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके पेटीएम पर आ जाएगा। अब आने वाले यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स और UPI पेमेंट वॉलेट एंड पेमेंट हिस्ट्रीज पेमेंट पोस्टपेड जो भी है लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले ऊपर वाले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ KYC स्टेटस, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर आपका ऐसा इंटरफेस खोल के आ जाएगा। आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस अगर आपने डाला होगा तो शो करेगा, और आपका फ़ोन नंबर तो दिखाएगा ही। और आप यहाँ पेटीएम वॉलेट स्टेटस एक ऑप्शन दिखाएगा, पेटीएम वॉलेट स्टेटस, अगर यहाँ पे इनएक्टिव होगा आपका तो इसलिए आपका वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते। क्योंकि मुझे भी ये दिक्कत आती, बड़ा भगवान कसम बड़ा गुस्सा लगा था कि अपने ही पैसे कमाए हैं और पैसे निकल ही रही है, अरे फेक गेम वाला एप्लीकेशन है। तो ऐसा नहीं, फेक नहीं हो, रियल में ही है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, पेटीएम वॉलेट स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही एक्टिवेट करेंगे फिर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, कंप्लीट योर मिनिमम KYC एंड एक्टिवेट वॉलेट, ठीक है। तो ये RBI के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के
अधिकार मतलब है लागू में है, ताकि आप इसको पैसा निकाल सकते हो, यानी समझ सकते हो इतना नियम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट ए डॉक्यूमेंट टू प्रोसीड, यानी आप चार डॉक्यूमेंट है, आप इसमें से कोई भी आप डालकर कर सकते हो। तो मैं आप लोग को बताता हूँ आपने करना क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है उसका डाल दीजिए, जो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपको फॉर्म मिलेगा, आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे आप वोटर आईडी डालोगे तो जो वहाँ पे फॉर्म फिलअप पे आएगा तो आपका वहाँ पे सिंपल से वोटर आईडी पे लिखा होगा, जो आप वहाँ पे आ जाए जो यहाँ पे नीचे आएगा वहाँ पे सिंपल से लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस डालते हो तो यहाँ पे भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस का खुद जो फॉर्म होता है वो अपने आप ही बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे नरेगा जॉब कार्ड है वो डालोगे तो अपने आप ही नीचे आपको फॉर्म बन के आ जाएगा। तो आपने बस उसको क्लिक करो, क्लिक भर भर के, तो आपने यहाँ पे आई एग्री टू नीचे लिखा हुआ है, आई एग्री पर क्लिक करके आपका आपका KYC कम्प्लीट हो जाएगा, आपको आगे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप आराम से अपने वहाँ से जाके पैसे निकाल लेना, उसके बाद ही आके मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगे कि हाँ मेरी वीडियो सही है तो आप आकर लाइक कर देना। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रख रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको वीडियो में समझ आया होगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए बाय।